मम्मा के जो पार्टिसिपेंट्स हैं अब तक के, उनमें से कुछ जन अपना फीडबैक शेयर करेंगे, तो इट विल बी ग्रेट टू हियर फ्रॉम देम. वैष्णवी जी, खुशबू जी एंड शशि जी विल शेयर द फीडबैक. ओके, सो से वन एट अ टाइम. तो देन ओके, शशि जी ओके, शेयरिंग. मैम आई वुड लाइक टू से. यस यस शशि जी. नमस्ते मैम, नमस्ते एवरीवन. मैं शशि बजाज हूँ, कोलकाता में रहती हूँ. इस कोर्स के बारे में कुछ बताने से पहले मैं मैम के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी. मैं हमेशा से गुरु की तलाश में थी और बहुत से मास्टर्स के सानिध्य में मैं आई, लेकिन मेरा पूरा कनेक्शन नहीं हो पाया. लेकिन मैंने थर्ड सीजन ये 21 डेज होलिस्टिक प्रोग्राम मैम का अटेंड किया था, तो मुझे बहुत कनेक्शन फील हुआ मैम से. हालांकि बहुत ज्यादा मैं उस समय इम्प्रूव नहीं कर पाई, मेरे कई छूट गई. जैसे मैं चाय बहुत पीती थी, वो मेरा बहुत कम हो गया. वो उबाल उबाल के चाय पीना तो बिल्कुल खत्म हो गया. वो डिप करने वाला मैं भी एक या दो बार मैक्सिमम मैं लेती हूँ. और मुझे लेट उठने की आदत थी, तो वो मेरा हैबिट बहुत ठीक हुआ. अब तो खैर क्या बोलूं, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में मैम उठा देती है रोज हम लोगों को. तो उस समय से जो मैं कनेक्ट हुई, आज तक मैं कनेक्टेड हूँ मैम से. एंड लॉन्ग मैम की कृपा, और आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव बीन कनेक्टेड टू मैम. मतलब आई हैव अट्रैक्टेड मैम. तो मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे इस तरह की के लेसन्स मैम से मिल रहे हैं, टीचिंग्स मिल रहे हैं. मैं इतना इवॉल्व हो पाई हूँ, स्वतः ही बस निकल रहा है, एकदम ऑटोमेटिक हो रहा है जो भी मन से बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ. और हर स्तर पर इम्प्रूवमेंट हुआ है, नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस. इमोशनली स्ट्रांग हो गई हूँ मैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ. और जो रिलीजियस जो हम लोग रहते हैं, और इतने हम लोग डिवाइड हो जाते हैं रिलीजियस होके, तो अब स्पिरिचुअल होके जो रियल मीनिंग है यूनिवर्स से कनेक्ट होने का, दैट इज अ ब्लिस, टोटल ब्लिस. इट कैन बी एक्सप्लेन, इट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड. और भगवत गीता का ज्ञान जो मैम ने कहा जीवन में अप्लाई करो, इट्स ओनली नॉट जस्ट श्लोका. उसको जीवन में कैसे अप्लाई करना है, एक या दो वर्ड भी अगर हम पकड़ लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है. मतलब थोड़े से देर में मैं क्या बोलूं मैम के बारे में पूरा दिन लग जाएगा एक्चुअली. सो थैंक यू सो मच मैम, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच शशि जी. आप लोगों का इतना प्यार पाके मैं सच्ची धन्य हो गई. और ये लोग सब है ना, मुझे चिढ़ाते भी रहते हैं, मुझे गुरु गुरु बोलते हैं. एक्चुअली मैं हमेशा कहती हूँ आपका गुरु आपके अंदर ही है, तो आप उससे कनेक्ट हो जाइए. तो ये मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि नहीं, आप ही है आप. बट इतना प्यार आपका पाके मैं धन्य हो गई. थैंक यू सो मच शशि जी. गॉड ब्लेस जय यू. श्री कृष्ण, मायू जय श्री कृष्ण. दीदी, सुमति जी नमस्ते. नमस्ते. जय खुद श्री पे प्यार कैसे करना, ये मंजू जी से सीखा. बहुत पॉजिटिविटी हर रोज और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, एक तो इतनी बड़ी बात है कि कुछ भी नहीं सोचे तो भी रोज 3-20 बजे मंजू दीदी याद आ जाती है और जगा देती है. और मेडिटेशन बहुत अच्छा सिखाया आपने. बहुत क्या मालूम हमको कैसे मिल गए आप, मिल गए आप. अभी जो अपने ग्रुप में एक स्नेहा नाम की जो लड़की ऐड हुई है, उसने मेरे को लिंक भेजी थी आपकी. आज उसको मैंने लिंक भेजी है कि आज मंजू दीदी का प्रोग्राम है, तुम पे ऐड हो जाओ. बहुत अच्छा अच्छा है ना, इतना अच्छा लगता है ना. अभी आपसे मुलाकात नहीं होती तो ऐसे लगता है कि कुछ चूक गए हम. बहुत बढ़िया. और अभी आज धन्यवाद. बहुत खुशी हो रही है, क्या कोई और ग्रुप अपने मिल गए और रोज मिलते जाएंगे हम. चलो जय श्री कृष्ण. बहुत यस जय बढ़िया. श्री कृष्णा. बहुत दिनों से आपको देख के भी बहुत अच्छा लगा सुमित जी. एंड मैं एक चीज बता रही थी जो शशि जी ने भी कहा, अभी सुमति जी ने भी कहा. हम जब हमारे वाइब्रेशंस, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ये बढ़ा लेते हैं, ये हम 17 में देखेंगे क्या है,
तो ऑटोमेटिकली हमें हमारे जीवन में जो उचित है उन्हें अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं इनसे ही कहूंगी धन्यवाद शशि जी और सुमति जी कि उन्होंने उनके जीवन में मुझे नियोता दिया है, तो बस मैं चली आई। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते आप अभी मैम के बारे में बोलना है तो एक सेशन कम पड़ेगा। तो 21 डेज होलिस्टिक्स सेकंड ग्रुप से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, जून से शायद तब से आपसे जुड़ी हुई हूँ। और ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना वो मैंने खुद अनुभव किया है और अब मैं अपने रिलेटिव में फ्रेंड्स में सभी को बता रही हूँ, मैं वो खुद अनुभव कर रही हूँ। अग्निहोत्र हो वो होलिस्टिक लाइफस्टाइल जीवन कैसे मैं जीती हूँ, अभी जी रही हूँ। तामसिकता से सात्विकता की तरफ मैं जैसे आ गई हूँ ना, वो मैं एक सेशन में नहीं बता सकती, बहुत है, बहुत बहुत चेंजेस हो गए। फर्स्ट तो एंगर को कंट्रोल करना, कंट्रोल नहीं आने ही नहीं देना वो तो। फिर एलके के फैक्टर, वो भी लोग क्या कहेंगे, छूट गया है, सभी छूट गए। और स्थित प्रज्ञा, ये जो आज आपने रखा है ना स्थित प्रज्ञा, किसी भी स्थिति में हमेशा स्थित प्रज्ञा रहना है, उस ओर मैं अभी जा रही हूँ। मेडिटेशन तो मुझे बहुत हेल्प करा है, इतना हेल्प करा है कि मैं बता नहीं सकती। अभी एक साल से लगभग लॉकडाउन, एक साल हो गया लॉकडाउन होके, एक साल से मैंने, मेरे पति ने और मेरे बेटे ने एक भी दवा नहीं ली, एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गए। और पूरे का पूरा हेल्दी, मुझे सादी सर्दी भी नहीं हुई एक साल में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अस्थमा की प्रॉब्लम थी, एलर्जी का अस्थमा, ठंडी के दिनों में मैं, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन इस बार मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे एलर्जी का अस्थमा है, एक बार भी तकलीफ नहीं हुई। बहुत बढ़िया, ना चेंजेस हो गया है ना मुझ में। आपने जो जो बताया बस मैंने आप पे विश्वास किया, आप मेरी गुरु है, मैंने विश्वास किया और वो किया और वो बदला, वो ट्रांसफॉर्मेशन में आप रोज जी रही हूँ उस ट्रांसफॉर्मेशन को। और आगे भी आपसे हमेशा के लिए जुड़ना चाहती हूँ। आपके ऐसे कोई भी ग्रुप नहीं है जिसमें मैं नहीं जुड़ी हूँ, बस आप जो बताती है वो मैं एब्सॉर्ब करती हूँ और हमेशा ध्यान में रखती हूँ और रोज के जीने में क्रिएट किए हैं। हाँ आप बोलते हैं ना आपने हमें इनवाइट किया है, लेकिन ये भी लक फैक्टर है मैम कि आप जैसे गुरु हमें मिली है, ये मेरा लक है। मेरे पिछले जन्म का कोई पुण्य कर्म होगा इसलिए आपके रूप में मुझे गुरु मिली है। जी आपके आपके गुरु आपके भीतर ही है, बस आप उस वहां जुड़ जाए, आपके भीतर जुड़ जाए। एंड बहुत अच्छा लगा सुन के वैष्णवी जी, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू नमस्ते दीदी। नमस्ते खुशबू जी। हाँ, बस मैं तो ये सप्ताह कॉमन ही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना जो कि नहीं पा रहे थे, दो साल से मैं तो ट्राई कर रही थी सच में, लेकिन अभी 3:30 बजते ही बस उठ जाओ और मेडिटेशन करो। और एक मेन की तामसिक फूड, ऑनियन गार्लिक, वो ऐसे ही छूट गया, कुछ ट्राई नहीं करना पड़ा है, अभी सामने रखा हो तो खाने का मन नहीं करता है। और रिलेशनशिप में जो था ना, दूसरे की गलती दिखती है हमेशा, वो बंद हो गया, लगता है नहीं उनसे ज्यादा भी मेरी गलती है, मुझे क्या लेसन सीखना है, तो भी थॉट पूरी प्रोसेस चेंज हो गई। तो इतना अच्छा लगता है, किसी में कुछ बुराई नहीं दिखती है, सब पे प्यार आता है, वननेस। एक रहता है ना, दूसरे घर से बाहर के लोगों में तो कमी कम लगती है, लेकिन खुद के घर के लोगों में हमें ज्यादा दिखता है, सास ऐसी है, पति ऐसा है, पर अभी उन सब पे भी प्यार आता है कि नहीं सभी मेरे हितेक्ष में, सब मेरे अच्छे के लिए जो कर रहे हैं। तो एक थॉट प्रोसेस चेंज हो गई ना, तो इतनी शांति लगती है कि बस कुछ। और मेन है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है, पहले क्या था किसी को कुछ सच बोलना रहा ना, जैसे लगता है कि स्वार्थ रहता है ना, इसको ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा ये, लेकिन अभी वो नहीं रहा है स्वार्थ, सच है तो सच है, गलत नहीं सोचना है करना है, लेकिन अगर कुछ सच है तो बोलना है, यानी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है तो अच्छा लगता है। और मेन सबसे अच्छी बात यह कि अभी मैं मेडिटेशन करती हूँ ना,
तो मेरी बेटी रिदम वो भी रेगुलर वो भी मेडिटेशन करने लग गई है, तो एक लगता है कि अभी वो भी 10 ईयर की है और कर रही है, तो ज्यादा खुशी होती है। बहुत बढ़िया। एक दौड़ा दौड़ी थी जी जीवन में, एक थी दौड़ा दौड़ी इधर से उधर उधर, एक ठहराव आ गया है, अभी एकदम शांति लगती है और बहुत अच्छी लाइफ हो गई है आपसे मिलने के बाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर लाइफ। और मेडिटेशन पे एक और बात याद आई, आप जो कह रहे थे ना कि आपकी आपके बच्चे अभी साथ में कर रहे हैं, तो नभा मेरी बेटी और नीरद ये लोग है ना मेडिटेशन नहीं करते थे मेरे साथ। और पहले तो ऐसा भी था ना कि हम लोग, हमें लगता है ना कि हमारे बच्चों को कुछ बताए तो उसे मैं कुछ बताने जाती थी ना, तो वो सुनने के मोड में नहीं रहती थी और मुझसे कहती नभा सांगू बच्चा वो बोलती थी तो मैं इग्नोर कर देती थी और फिर बोलती थी कि शॉर्ट में बोलो शॉर्ट में बोलो, मुझे बस मेरा आंसर चाहिए बाकी एक्सप्लेनेशन मत दो। ऐसा नहीं होता है, अब जाके समझ में आया। और ये सब जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का जो खेल है वो अब समझ में आ रहा है। तो इस सेशन में 21 डे होलिस्टिक प्रोग्राम में इसी के बारे में डेप्थ में समझना है हमें और अपनी लाइफ को एक हैप्पी गिफ्ट बनाना है हमें। नभा की जो स्पिरिचुअल जर्नी है, नभा के भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये स्पिरिचुअल जर्नी में जब आई है तब से बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो अभी जैसे ये मुझे बोलती है ना कि नहीं अभी मुझे और बता और बता, और पहले बोलती थी मम्मा इतना बड़ा लेक्चर मत दे, बस हो गया तेरा लेक्चर कि तू कॉलेज में लेक्चर देती है तो तुझे आदत हो गई है। और वो लोग मेडिटेशन में उनके सामने जाती थी उनके पास और बोलती थी चलो अपन मेडिटेशन करते हैं, तो वो बोलते थे 2 मिनट मम्मा हमको ना यहाँ यहाँ जाना है, 9, 2, 11 भाग जाते थे वो कि मुझे ये काम है वो काम है, तो ऐसे ओके ठीक है तुम जाओ, तो बस मैं उनके सामने बैठती थी इतना ही करती थी। और अभी ऐसा समय है कि एक दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि नभा ने मेडिटेशन नहीं किया है, नभा भी और नीरद भी छोटा भी, तो इतना उनको वो मेडिटेशन का बाकी सारे जो सात्विक चीजें है, इनफैक्ट अभी 9th में है नभा, तो उसके फ्रेंड्स को भी वो कुछ बताती है ना तो फ्रेंड्स बोलते हैं कि उनका समय नहीं आया है ना समझने का वो चीज, तो वो बताई तो भी वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ओपन नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं ना, तो एक समय आ गया है, समय आ गया है हमने कुछ तो सात्विक जीवन में प्रवेश करने का समय आ गया है हमारे जीवन में, कि ऐसे कुछ चीजें जानने का जिससे हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आ सकता है।